29 अप्रैल 2020 यह दिन क्या दुनिया का आखिरी दिन होगा? दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ और जानिए सच्चाई क्या है। दोस्तों हर रोज धरती पर छोटे छोटे लाखों उल्कापिंड धरती पर गिरते हैं, लेकिन वो धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते ही नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अब तक का सबसे बड़ा जो उल्कापिंड धरती पर पाया गया है वो काफी बड़ा है, जिसे आप इस फोटो में देख सकते हैं। और इतना सा दिखने वाला उल्कापिंड का वजन 70 टन से भी ज्यादा है। और दोस्तों ये जिस जगह पर गिरा था वहाँ काफी बड़ा गड्ढा बन चुका है। लेकिन दोस्तों हम बात कर रहे हैं 29 अप्रैल 2020 को जो उल्कापिंड हमारी धरती पर गिरेगा। नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार उस उल्कापिंड की साइज इस उल्कापिंड से काफी बड़ी है। यहाँ तक कि वैज्ञानिक उसकी साइज की तुलना माउंट एवरेस्ट से कर रहे हैं। और जब 29 अप्रैल 2020 को इतना बड़ा उल्कापिंड हमारी धरती पर गिरेगा तो हमारी धरती का क्या हाल होगा? जैसे कि आप जानते हैं कि करोड़ों साल पहले इस धरती पर डायनासोर का राज था, और ऐसे ही बड़े उल्कापिंडों की बारिश से उनकी जाति नष्ट हो गई। और जब इतने बड़े बड़े विशालकाय डायनासोर खत्म हो सकते हैं तो हम इंसान का क्या होगा? दरअसल नासा के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि उन्होंने अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड देखा है, और उस उल्कापिंड को उन्होंने पिछली बार 1996 में देखा था। वह उल्कापिंड सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं, मतलब धरती का एक साल लेता है, और 14 साल बाद उसे वापस देखने का दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि वह उल्कापिंड इस बार धरती के बिल्कुल नजदीक से गुजरेगा। धरती से कुछ ही किलोमीटर दूर से वह उल्कापिंड गुजरेगा। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर वह उल्कापिंड धरती के नजदीक से गुजरेगा तो धरती का गुरुत्वाकर्षण उसे अपनी ओर खींचेगा, जिससे उस उल्कापिंड को धरती पर गिरने की संभावना बढ़ जाती है। और अगर वैज्ञानिकों के अनुसार वह धरती पर गिरता है तो आधी से ज्यादा धरती को नष्ट कर देगा, क्योंकि वैज्ञानिकों के अनुसार उस उल्कापिंड का साइज माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा है, और माउंट एवरेस्ट से ज्यादा बड़ा होने के कारण धरती को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। धरती पर गिरने के एक सेकंड के अंदर ही वह एक बड़े शहर को तबाह कर सकता है, और करोड़ों लोगों की जान ले सकता है, और धरती पर तबाही ला सकता है। और यह तबाही 37,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती की तरफ बढ़ रही है, और 29 अप्रैल 2020 को यह धरती के करीब से गुजरेगा। अभी वैज्ञानिकों की ताजा रिपोर्ट के अनुसार यह धरती पर गिरने की चांसेस बहुत कम है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार यह धरती के करीब से तो गुजरेगा, लेकिन धरती के ऊपर गिरने के चांसेस बहुत कम है। दोस्तों इसी बीच अगर वैज्ञानिकों की कुछ नई रिपोर्ट आती है तो हम जरूर आपको बताएंगे। और हमारा नया वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले। और दोस्तों यह जानकारी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। नीचे शेयर के ऑप्शंस पर क्लिक करके इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि इस खबर के बारे में हर किसी को जानना जरूरी है। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, टेक केयर दोस्तों।